नमस्ते बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं नीरू अग्रवाल, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी वन का पार्ट एक प्रियतम, जो कि सुनहरी धूप ये वाली किताब आज हमारी चल रही है, इसका पार्ट एक प्रियतम पेज नंबर 8 आप लोग खोल के बैठे ताकि आपको इससे अच्छे से ये पोयम समझ में आएगी। इस कविता के अंतर्गत ये बताया गया है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वह होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में ही निहित है। कहने का मतलब, हम जब भी अपना कोई कार्य शुरू करते हैं, प्रारंभ में हमें ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपना सबसे प्रिय भक्त उस किसान को माना है जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए, अपने नित्य कार्य करते हुए भी ईश्वर का केवल दिन में 3 बार नाम लेता था। इसी कविता को देखते हुए यहाँ पे नारद जी विष्णु भगवान के पास आते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास आए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है? पुष्य ने लो भक्त तुम्हारा प्रधान। मतलब एक बार विष्णु जी के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं, हे नारायण, इस यशस्वी धरती पर आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद जी मन ही मन खुश होते हैं कि मैं ही भगवान का नाम दिन भर लेता हूँ, नारायण नारायण, ये मुझे ही अपना प्रिय भक्त बताएंगे। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उस प्रियतम। तब विष्णु जी कहते हैं, एक किसान है, इस मृत्युलोक में एक किसान है जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, उसकी परीक्षा लूंगा। ये बात नारद जी बोले कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा, आप उसे कैसे अपना प्रिय भक्त बताते हैं। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। तब विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उसकी परीक्षा अवश्य ले सकते हो। नारद जी चल दिए पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुँच कर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर फिर नाम, प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। जब नारद जी उस किसान की परीक्षा लेने धरती लोक पर जाते हैं और वो छुप करके उस किसान को देखते हैं कि यह किसान किस प्रकार से मेरे नारायण का सच्चा भक्त है, वह देखता है कि जब किसान घर से निकलता है तो वो भगवान का नाम लेता है, दोपहर को अपने खाना खाने के बाद फिर से ईश्वर का नाम लेता है, और शाम को सारे कार्य होने के बाद जब वह घर को वापस लौटकर आता है तब वो ईश्वर का नाम लेता है। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया। तब नारद जी चकरा जाते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं तो दिन भर नारायण नारायण करता हूँ और यह किसान तो सिर्फ 3 बार ही नाम ले रहा है, तो यह कैसे भगवान का प्रिय भक्त हो गया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम लिया उसने। तो विष्णु जी से नारद जी कहते हैं कि भगवान, वह किसान कैसे आपका प्रिय भक्त हो सकता है, वह तो सिर्फ 3 बार ही नाम लेता है और मैं तो हमेशा नारायण नारायण करता रहता हूँ। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं रह सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक भी बूंद इससे तेल न गिरने पाए। तब विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, अवश्य ही कोई एक और काम आया है आपके लिए, आप इस विषय को छोड़िए और जो भी कार्य कहता हूँ आप उसे कीजिए। मैं आपको यह एक तेल से भरा हुआ पात्र देता हूँ, आप इसे हाथ में लेकर इस मृत्युलोक की परिक्रमा करके आइए। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन एक
ध्यान रहे बात। जब आप इस तेल के पात्र को लेकर परिक्रमा करें तो आपकी इस पात्र में से एक भी बूंद तेल की जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। लेकर चले नारद जी आज्ञा प्रद लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। नारद जी उस तेल के पात्र को लेकर धरती के एक परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे भगवान ने ये कहा है कि इस पात्र में से एक भी बूंद तेल की नहीं गिरनी चाहिए। उनका सारा ध्यान उस तेल के कटोरे पे था कि अगर इसमें से बूंद गिर गई तो मैं भक्त नहीं कहलाऊंगा। वे चाहते हैं और उस पात्र की बूंद ना गिरते हुए उस पात्र का ध्यान रखते हुए उस धरती लोक का चक्कर काट करते हैं और विष्णु जी के पास आते हैं। यह सोचकर तेल का रस एक अवगत होगा नया। उन्होंने सोचा कि अवश्य इस तेल के रहस्य से कुछ तो रहस्य उजागर होगा, तभी तो भगवान ने मुझे यह कार्य सौंपा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। तब विष्णु जी नारद जी को प्रसन्न देखते हुए कहते हैं, नारद अब तुम्हारे उत्तर समझ में आया कि जब तुम यहाँ से इस पात्र को लेकर गए थे तो उस पात्र को लेकर जब तुमने इस धरती पर एक चक्कर लगाया तो बताइए मेरा नाम कितनी बार लिया। एक बार भी नहीं, नारद जी ने कहा, एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा और फिर क्या लेता। विष्णु जी ने कहा कि काम तो तुम्हारा ही था यह, फिर भी तुम्हारा ध्यान मेरे नाम में नहीं था, फिर क्या लेता। और नारद ने कहा तो फिर मैं क्या करता, मैं कैसे नाम लेता। विष्णु जी ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। जब विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इस कार्य को करते हुए तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, तब भी नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि ईश्वर यह कार्य भी आपका दिया हुआ था। तो नारद जी उसे समझाते हैं कि जो काम किसान को दिया हुआ है वह भी मेरा ही दिया हुआ है, फिर भी वह अपने काम को लगातार करते हुए मेरा नाम लेता है, लेकिन तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए कार्य को करने में एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। माना काम मेरा दिया हुआ था तुम्हें भी और किसान को भी, फिर भी उसे अपने इष्ट का नाम लेने का याद रहा, उसे उत्तरदायित्व भी मैंने ही दिए हैं, फिर भी वह अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए और अपने कार्य को करते हुए भी मेरा नाम लेता है। इसी से है प्रियतम, नारद लज्जित हुए कहा, यह सत्य है। इसी से है प्रियतम, इसीलिए वह किसान मेरा प्रियतम है। और तब यह सुनकर नारद जी लज्जित होते हैं और वे वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर यही सत्य है, अतः निर्मल अंतःकरण ही सर्वोत्तम ईश्वर है। यहीं पे हमारा पाठ एक प्रियतम समाप्त होता है। अब आप घर पर इसके शब्दार्थ याद करें। प्रश्नोत्तर आपको पहले दिए जा चुके हैं और जो बुक वर्ग है उसका पेज नंबर 13 यह आप फिल करें। नमस्कार।